मंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्रयम्बके गौरी नारायणे नमस्ते। शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा निज भक्त से सुरक्षा प्रदायिनी, हेले दुष्ट शक्ति से क्रूर महिषा मर्दिनी। हिंदू धर्मर पौराणिक कथा कहे माँ दुर्गा होती सबुठ शक्तिशाली एवं सबुठ पवित्र। दुनिया सर्वशक्तिमान देवी रूपे पूजा पाती माँ दुर्गा। तेबे देवी को सर्वशक्तिमान कहिबा पछरे आउ एक कारण हेउछि देवी एकासह ब्रह्मा विष्णु एवं महेश्वर प्रमुख अस्त्र धारण करिथांति। पौराणिक मत अनुजाई ब्रह्मा कमंडलु विष्णु सुदर्शन चक्र एवं महेश्वर त्रिशूल एक पुरुष शरीर एकासह धारण करिबा संभव नुहे, कारण यह तीनोटी अस्त्र रे रही थाए प्रबल शक्ति, किंतु माँ आदिशक्ति देवी दुर्गा एहाकु एकासह धारण करिथांति। सेइथिपाई तांको सर्वशक्तिमान कहाजाए। दुर्गांको तीनोटी आखि सूर्य चंद्र एवं अग्निर प्रतीक अटे। माँको बाहन सिंह मध्य तांको शक्तिशाली रूपर आउ एक प्रतीक अटे। पूर्वकालरे माँ दुर्गांको विभिन्न देवता मानक द्वारा शक्तिशाली अस्त्रशस्त्र प्रदान करा जायथिला, जो अस्त्रशस्त्र पाइबा द्वारा माँ आदिशक्ति अधिक शक्तिशाली हो पड़े। जानतु केऊ देवता माने माँ को केऊ अस्त्र दे। पुराण काल में स्वर्ग मत्य पाताल निज आधिपत्य विस्तार करिथिला महिषासुर, जहार दौरात्म्य देवता माने त्राही त्राही डाकिबा आरंभ करिथिले। ब्रह्मांक ठारु बर पाइथिबा एही महिषासुरर प्रकोपरे तीनी लोकरे एक भयंकर वातावरण सृष्टि होइथिला। देवता माने विचलित होई सृष्टिर तीनी कर्ता ब्रह्मा विष्णु एवं महेश्वर को एही जटिल समस्यार प्रतिकार पई शरणापन्न होइथिले। एहा परे ब्रह्मा विष्णु एवं महेश्वर शक्ति बलरे सृष्टि होइथिले माँ आदिशक्ति। एहापरे प्रत्येक देवता माने माँ को तांकर अस्त्रशस्त्र देई शक्तिशाली करिथिले। प्रभु महादेव आदिशक्ति को तांकर त्रिशूल देइथिले। त्रिशूल निर्माण संरक्षण एवं विनाशर प्रतीक अटे। अशांतिर अंधकार को दूरेइ देबाकु एही अस्त्र व्यवहार करा जाय। सुदर्शन चक्र महाप्रभु श्री विष्णु आदिशक्ति को देइथिले। दुनियार समस्त अधर्म दुष्ट शक्ति एवं खराब शक्ति को विनाश करिबाकु एहार व्यवहार करा जाय। एहा मांकर तर्जनी अंगुली रे सदा सर्वदा घूर्णन होता है। वज्र इंद्रदेवों द्वारा एही अस्त्र तांको प्रदान करा जायथिला। वज्र दृढ़तार एक प्रतीक अटे। एही प्रतीक दर्शाई थाए दुनिया जिते बड़ परिस्थिति आसिले दृढ़तार सह सामना करिबा, जेपरी बिजुली एवं वज्र जो जिनिष को छुई थांती ताहा संपूर्ण नष्ट होइथाय। निज भक्त को आत्मविश्वास देवाई एही अस्त्र धरी थांती माँ दुर्गा। धनुतीर वायुदेव तांकु एही अस्त्र प्रदान करिथिले। एहा शक्तिर प्रतीक अटे। माँ आदिशक्ति ब्रह्मांडर समस्त शक्ति को नियंत्रण करिथांती एवं एही अस्त्र एहा मध्य दर्शाई थाए आमको कौनसी कार्य करिबार थिले आमको सही कार्य उद्देश्य रे संपूर्ण ध्यान एवं निष्ठार सह करिबा उचित। परशु एवं भाला एहा तांको परशुराम प्रदान करिथिले। एहा विश्वकर्मांक शक्तिर प्रतीक अटे। अज्ञानता भ्रम एवं दुष्ट शक्ति को विनाश करिबाकु माँ दुर्गा एही अस्त्र धारण करिथिले। गदा एही अस्त्र विश्वकर्मांक द्वारा माँ दुर्गा को प्रदान करा जायथिला। एहा शारीरिक मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्तिर प्रतीक अटे। शंख एहाकु वरुण देव प्रदान करिथिले। विश्व ब्रह्मांडर आरंभ शंखर ओंकार ध्वनि रू आरंभ होता। विश्वर सबु ध्वनि ठारु एही ध्वनि को पवित्र बोली कहा जाय थाए। सेइथिपाई एहा दर्शाई थाए भगवान को शंख ध्वनि सबु ध्वनि ठारु प्रमुख अटे। खंडा एही अस्त्र तांकु श्री गणेश प्रदान करिथिले। एहा ज्ञान एवं बुद्धिर प्रतीक अटे। एहा दर्शाई थाए जे ज्ञान द्वारा ही सारा संसार रे विजय प्राप्ति हो पड़ा। दुष्ट शक्तिर विनाश पाई एहाकु धारण करिछंती माँ दुर्गा। पद्म एहाकु मध्य भगवान ब्रह्मा प्रदान करिथिले।
ଏହା ଦର୍ଶାଇଥାଏ ଯେପରି ଏହା ପଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ହସୁଥାଏ, ସେହିପରି ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ସଂସାରର ଭୌତିକ ସୁଖରୁ ବାହାରି ସବୁବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗରେ ବିକଶିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମା ଆଦିଶକ୍ତି ଦୁର୍ଗା ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ମହିଷାସୁରର ବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମାଙ୍କର ଏହି ଅବତାର କେବଳ ଦୁଷ୍ଟ ସଂହାର ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ବର୍ଷଯାକ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ମହିଷାମର୍ଦ୍ଦିନୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସଂହାର ରୂପ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗତିନାଶିନୀ ମା। ତାର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସଦା ସର୍ବଦା ନିଜ ଦଶଭୁଜାରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥାଉ ଏବଂ କାଳେ କାଳେ ଅଧର୍ମୀ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବାକୁ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସୁ। ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।